कौन सा प्राइमर मेरे लिए अच्छा है, कौन सा फाउंडेशन अच्छा है, मैं अपना मेकअप किट कैसे बनाऊं जो कि अफोर्डेबल हो और बजट में हो। आप भी कुछ इस तरह से सोचते हैं, ऐसे ही सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा प्राइमर लूं, कौन सा फाउंडेशन लूं जो कि अफोर्डेबल हो, बजट में आ जाए और मेरा पूरा मेकअप किट बन जाए। गाइस, आज आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आगे चल के देख लेते हैं कि मैंने अपना मेकअप किट कैसे बनाया है जो कि अफोर्डेबल है और पूरा बजट में आता है। मेक श्योर कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना है पता है ना? जो बेल आइकन है उसको दबाना है, तब जाके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकती है और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकते हैं। मेकअप में सबसे पहले आता है मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर के लिए मैं रिकमेंड करूंगी यह है सेटाफिल का मॉइस्चराइजर। इसका ये बड़ा वाला साइज है, इसका छोटा ट्यूब भी आता है जो अमेजोन में अवेलेबल रहता है, आप उसको ले सकते हैं। या फिर सबसे आसान है, आप जॉनसन बेबी का क्रीम ले सकते हैं, ये भी अफोर्डेबल है और बजट में आ जाता है। आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर हो आप उसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो निविया का मॉइस्चराइजर हो सकता है या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर का, और प्राइमर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये वाला प्राइमर। ये है एनवाई बे का प्राइमर, ये बहुत अफोर्डेबल है, इजीली आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, अच्छा वाला प्राइमर है ये। या फिर अगर आप थोड़ा ज्यादा है आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा, तो फिर आप इसको ले सकते हैं, ये है वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर, मैट वाला प्राइमर। या फिर अगर आप कोई भी प्राइमर लेना नहीं चाहते हैं तो फिर आपके घर में तो एलोवेरा जेल होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो फिर एलोवेरा प्लांट तो जरूर होगा, आप चाहें तो वो जेल यूज कर सकते हैं। या फिर मार्केट में अवेलेबल होता है इस तरह का एलोवेरा जेल, चाहे तो पतंजलि का एलोवेरा जेल हो सकता है या फिर ये वाओ का एलोवेरा जेल है, जो कोई एलोवेरा जेल है आप उसको एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फाउंडेशन पे। फाउंडेशन के लिए सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन है इस तरह का बीबी क्रीम या सीसी क्रीम, आप यूज कर सकते हैं। यह है एनवाई बे का बीबी क्रीम और यह है लैक्मे का सीसी क्रीम। आपको अगर कम कवरेज वाला मेकअप चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर फाउंडेशन में कुछ यूज करना चाहते हैं तो इस तरह का मेकअप स्टिक आता है, यह है ओलिविया का, ब्लू हेवन का भी आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। या फिर लैक्मे का फाउंडेशन, ये तो बेस्ट है अफोर्डेबल में, आप चाहे तो ये वाला फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कॉम्पैक्ट पे। कॉम्पैक्ट के लिए मैं रिकमेंड करूंगी मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, ये बहुत ही अफोर्डेबल है और अफोर्डेबल में अच्छा है। अफोर्डेबल होने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी सस्ता वाला प्रोडक्ट उठा ले और उसको अपने फेस पे अप्लाई करें, ये भी अच्छी बात नहीं होती है। अफोर्डेबल हो लेकिन हमारे स्किन के लिए अच्छा हो, हमें कोई हार्म ना करता हो, इस तरह का प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। तो अफोर्डेबल में मेरे पास एक है ये वाला ऑप्शन। अगर इससे थोड़े हाई रेंज में जाएंगे तो मेरे पास है ये लॉरियल का मैट मजिक, ये समथिंग 350 का आता है, सो ये भी बहुत अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है। अब आते हैं कंसीलर पे। आप चाहे तो जो बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फिर फाउंडेशन है आप उसको एज ए कंसीलर यूज कर सकते हैं लेयर अप करके, या फिर अगर आपको अलग से कंसीलर यूज करना है तो इस तरह का कंसीलर आता है, ये है लिक्विड बेस्ड कंसीलर, ये एनवाई बे का है, इसको आप यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसा स्टिक वाला कंसीलर आता है जिसको आप फाउंडेशन के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं और कंसीलर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, ये है एनवाई बे का। अब आते हैं अपने आईब्रोज पे। आईब्रोज के लिए आप चाहे तो इस तरह का जो पेंसिल्स टाइप का आता है इस तरह का यूज कर सकते हैं, ये अफोर्डेबल है, 100 रुपीज के अंडर आपको मिल जाएगा। ये है एनवाई बे का और एक है मेरे पास ये डेजलर का, ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं है बट मैं रिकमेंड करूंगी आप एनवाई वाला यूज। उसके बाद काजल पे आते हैं। काजल के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन है, जैसे कि ये ब्लू हेवन का, ये समथिंग 100 to 120, ये सारे 150 के अंदर ही आ जाते हैं आपका काजल और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। ये है ब्लू हेवन का, ये है मेबेलिन का कॉलोसल काजल और ये है लैक्मे का, तीनों बहुत ही अच्छे काजल है, अफोर्डेबल है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। बाद आते हैं आईलाइनर पे। आईलाइनर के लिए भी मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये है स्केच आईलाइनर, ये है यांकिना का, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था, ये मतलब इतना सुना हुआ ब्रांड नहीं है लेकिन ये आपको इंस्टाग्राम स्टोर पे या ऑनलाइन शॉपिंग में आपको मिल जाएगा और ये समथिंग 80 or 90 रुपीज का आता है। ये स्केच आईलाइनर है और ये बहुत अच्छा वाटरप्रूफ वाला आईलाइनर है।
आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी आपको, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। या फिर आप लिक्विड आईलाइनर यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये है NYBay का, और मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगी इसको, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है NYBay का आईलाइनर, और ये आपको इजिली 100 के अंदर मिल जाएगा। और ये वाटर प्रूफ, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो अपना रिव्यू दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। या फिर आप चाहें तो लैक्मे का आईलाइनर आता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ये लिक्विड आईलाइनर है। अब आते हैं आई शेडोज पे। आई शेडोज के लिए गाइस बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप लो बजट में कुछ आई शेडोज चाहते हैं तो ब्लू हेवन का भी आता है, या फिर आजकल SFR ब्रांड बहुत मार्केट में है, वो आपको इंस्टाग्राम स्टोर्स पे मिल जाएगा, या फिर और एक वेबसाइट है कप्स एंड लैशेस, उनका यूट्यूब चैनल भी है, उनका नाम है निधि कटियार, और उनका बहुत अच्छा वेबसाइट है, आप चाहें तो उनके वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये है गाइस SFR का एक पैलेट, इसमें आपको 4 शेड्स मिलते हैं, 2 मैट और 2 ग्लिटरी। तो इसको आप चाहे तो आई शेडो हिसाब से, या फिर हाइलाइटर के हिसाब से, या फिर कॉन्टोर शेड के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ये समथिंग आपका 100 के अंदर आ जाएगा। या फिर आप चाहे थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा बजट में जाएंगे तो ये वाला तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें 8 कलर्स हैं गाइस, और इन 8 कलर्स को आप आई शेडो के हिसाब से, या फिर आप चाहें तो कॉन्टोर के हिसाब से, या फिर हाइलाइटर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये एक पैलेट आपको बहुत काम आएगा, इस पर मैंने एक पूरा रिव्यू दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। हाइलाइटर के लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है, और वो है ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसका क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है, इसके रेट के हिसाब से ये समथिंग आपको अगर फ्लिपकार्ट में ऑफर चल रहा होगा तो ये आपको 200 के अंदर मिल जाएगा, अगर ऑफर नहीं चल रहा होगा फिर भी ये 250 के अंदर आपको मिल जाता है, और ये एक बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, आप इसको ले सकते हैं। मस्कारा के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो मेबेलिन का मस्कारा ले सकते हैं, ये आपका 200 टू 250 के अंदर मिल जाएगा, या फिर ब्लू हेवन का, ये आपको अंडर 200 मिल जाएगा, बट मैं रिकमेंड करूंगी ये वाला, आप थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करें बट अच्छा वाला लीजिए, और ये मेबेलिन का बहुत ही अच्छा है, आप चाहे तो ब्लू हेवन वाला ले सकते हैं, वो बहुत बुरा नहीं है, आप चला सकते हैं इसमें। अब आते हैं गाइस लिपस्टिक्स पे। लिपस्टिक आजकल मतलब बहुत मार्केट में है, बहुत टाइप का लिपस्टिक्स आ रहा है, जैसे कि लिक्विड लिपस्टिक, और लिक्विड लिपस्टिक में मुझे अच्छा लग रहा है आजकल ये आई एम एम्स्टर का जो पर्पल में अवेलेबल है, ये बहुत ही अच्छा शेड है, जिसको मैंने अभी लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा शेड है ये, और ये शेड है आपका मिस्ट्रेस 12, बहुत ही अच्छा शेड है ये, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। या फिर और ज्यादा अफोर्डेबल में लेना चाहते हैं तो फिर NYBay का बेस्ट है, ये है क्रैंकी यंकी शेड में, मेरे पास ये एक अवेलेबल है, बट मैं बहुत जल्दी इसका सारा शेड लेने वाली हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा शेड है, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, किस प्रूफ है, और ये आपको ऑफर में समथिंग 100 के अंदर मिल जाएगा, या फिर आपको 150 तक ये मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह का क्रेयॉन वाला लिपस्टिक यूज कर सकते हैं, ये M&M का है, एक पर्पल शेड में है ये, आप चाहें तो इस तरह का लिपस्टिक ले सकते हैं, या फिर बुलेट लिपस्टिक्स भी हैं, आप बुलेट लिपस्टिक भी ट्राई कर सकते हैं, वो और भी ज्यादा अफोर्डेबल आते हैं, जैसे कि ब्लू हेवन का लिपस्टिक हो गया, या फिर डेजलर का लिपस्टिक हो गया, वो सब अफोर्डेबल आते हैं और उनका क्वालिटी भी अच्छा होता है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो अफोर्डेबल मेकअप किट के बारे में, मैंने तो आपको सारे प्रोडक्ट्स बता दिए हैं, अब आपके ऊपर रहा आपको किस चीजों को खरीदना है और किसको स्किप करना है, लेकिन मेक श्योर कि आप जो भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ले उनका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, गंदा वाला क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स मत लीजिएगा, क्योंकि सस्ते बहुत ज्यादा सस्ते वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, अगर आप पूरे सस्ते में जाएं तो आपको क्वालिटी अच्छा नहीं मिल सकता है, तो मेक श्योर आप जितना भी जो भी जितना प्राइस का लेंगे आप प्रोडक्ट वो क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज 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 गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।